हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में LG TV के ब्लैक एंड वाइट कलर प्रॉब्लम को ठीक करने के तरीके को डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके TV कलर बिल्कुल इस तरह ब्लैक एंड वाइट और बाय साइड कंप्यूटर लिखा आ रहा होगा। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आती है ये TV के सेटिंग्स होती है। जी हाँ दोस्तों, ये TV के सेटिंग्स होती है। सो दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए आपको अपने TV के अपने TV के रिमोट से USB सिंबल को क्लिक कर देना है। जैसे इसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने TV में देख सकते हैं कि आपके TV में कंपोनेंट 1 सेलेक्ट होगा। दोस्तों, जब तक ये कंपोनेंट 1 पर सेलेक्ट रहेगा, जी हाँ दोस्तों, कंपोनेंट 1 पर ये सेलेक्ट रहेगा तब तक आपके TV का कलर ब्लैक एंड वाइट ही रहेगा। सो दोस्तों, इसे AV1 जी हाँ दोस्तों, इसे AV1 पर कर देना है। दोस्तों, इसे AV1 पर करके ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपके TV कलर चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों, आप इस तरह भी अपने TV का कलर चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई।